हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं मसाला बन। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए 1 कप व्हीट फ्लार, यानी कि गेहूं का आटा। ये है मेरे पास 1 टीस्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट। 1 कप है मेरे पास गुनगुना पानी। 4 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। 1/2 टीस्पून सॉल्ट है और 1 टीस्पून है मेरे पास शुगर, यानी कि चीनी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले लेंगे हम एक मिक्सिंग बाउल और इसमें डालेंगे हम गेहूं का आटा। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे नमक। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ ड्राई ईस्ट, ये ड्राई एक्टिव ईस्ट है, और साथ ही में जाएगी इसमें चीनी। और अब हम डालेंगे इसमें 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। आज मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राई एक्टिव ईस्ट, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ड्राई ईस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए 4 से 5 टेबल स्पून पानी लीजिए एक कटोरी में। अगर सर्दियाँ हैं तो हल्का गुनगुना पानी लीजिए। इसमें डालिए 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून ईस्ट। इसे ढक कर रख दीजिए बिना डिस्टर्ब किए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके ईस्ट के ऊपर झाग आ गए हैं। इसका मतलब आपका ईस्ट एक्टिवेट हो गया है और इसे अब आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं रेसिपी में। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अपने हाथ से मिक्स करेंगे और अब हम डालेंगे हमारा गुनगुना पानी इस डो में धीरे धीरे करके, और हम प्रिपेयर करेंगे इसका एक सॉफ्ट डो, बिल्कुल वैसा ही जैसे चपाती या पराठे के लिए डो प्रिपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा डो अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। ये एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और स्मूथ है। तो इस तरह का डो प्रिपेयर करने के लिए मैंने यूज़ किया है आज एक मेजरिंग कप। तो इस कप से मैंने मेजर किया था गेहूं के आटे को, जो था 1 कप, और इसी कप से मैंने पानी को मेजर किया है, जो कि था आधा कप। तो मुझे ऑलमोस्ट आधा कप पानी यूज़ हुआ है इस तरह के डो को प्रिपेयर करने के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करूंगी इसके ऊपर 1 से 2 टेबल स्पून, और हाथ से इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी ताकि हमारा जो डो है वो ड्राई ना हो। और अब मैं एक कपड़े से इसे ढकूंगी और इसे रखूंगी मैं एक बंद माइक्रोवेव में 2 घंटे के लिए, तब तक जब तक कि इसका साइज डबल नहीं हो जाता। आप इसे किसी भी गर्म जगह पर रख सकते हैं, जैसे किसी अलमारी में या शेल्फ में या फिर किसी और जगह पर। तो जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, चलिए अपनी फिलिंग बना लेते हैं। मैं ले रही हूँ लहसुन और हरी मिर्च का एक क्रश, यह है 1 टेबल स्पून, जिसे मैंने बनाया है 4 लहसुन और 1 हरी मिर्च को क्रश करके। साथ ही में मैं ले रही हूँ हरी प्याज का हरा हिस्सा 4 टेबल स्पून। एक छोटी हरी प्याज है मेरे पास बारीक कटी हुई। 4 टेबल स्पून गाजर है मेरे पास बारीक कटी हुई। 6 टेबल स्पून पत्ता गोभी है बारीक कटी हुई। और 4 बीन्स ली हैं मैंने एकदम फाइन चॉप करके। इसके अलावा मेरे पास एक मीडियम साइज का आलू है, जिसे मैंने बॉईल करके मैश करके लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। यह है मेरे पास 2 टेबल स्पून गन्ने का सिरका। आप चाहें तो सिंथेटिक विनेगर या फिर लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ टमाटो केचप, और साथ ही मैं ले रही हूँ आज की रेसिपी के लिए ड्राइड हर्ब में ऑरिगेनो। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राइड हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वो ना हो तो आप हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने पहले से ही डाल के रखा हुआ है। तो अब मैं गैस को ऑन करूँगी सबसे पहले, और इस ऑयल को गर्म करूँगी। ऑयल गर्म होते ही सबसे पहले डालेंगे इसमें लहसुन और हरी मिर्च का एक पेस्ट, और साथ ही में गाजर और बीन्स। तो आप देख सकते हैं मैंने प्याज, बीन्स और गाजर को ऐड किया हुआ है हमारे गार्लिक और चिली के पेस्ट के साथ। इसे हाई फ्लेम पर हम कुक करेंगे 30 सेकेंड के लिए, और 30 सेकेंड के बाद मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट एज पर टेस्ट। और सॉल्ट डालने के बाद मैं इसे मिक्स करूंगी अच्छी तरह से, और हाई फ्लेम पर अब हम इसे दोबारा कुक करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और गार्लिक का कच्चापन थोड़ा निकल जाए। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट में हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब बारी है इसमें पत्ता गोभी और हरी प्याज को डालने की। इसे भी हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे 1 मिनट के लिए। हम इसे बाद में इसलिए डालेंगे क्योंकि ये वेजिटेबल्स ज़्यादा पानी छोड़ती हैं। तो इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी हमारा बॉयल्ड और मैश्ड आलू। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। आलू डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ हमारी टमाटो सॉस को, ये 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस है। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा विनेगर, और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर लिया है। हम वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी हमारी ड्राइड हर्ब्स में ऑरिगेनो। आप अपनी पसंद की कोई भी हर्ब डाल सकते हैं, मैं डाल रही हूँ अराउंड हाफ टी स्पून थोड़े से फ्लेवर के लिए। हम वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि हम बेकिंग कर रहे हैं, बेकिंग के टाइम जब हम इसे स्टफ़ करेंगे तो ये ऑलरेडी कुक होगी, इसलिए मैं गैस को ऑफ कर चुकी हूँ, इसे सिर्फ ठंडा करेंगे अब। तो करीब 2 घंटे हो चुके हैं, चलिए चेक करते हैं हमारे डो को। आप देख सकते हैं इसका साइज जस्ट डबल हो चुका है, ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल गया है, तो उसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे बबल्स और होल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं इसे इस तरह से पंच करूंगी अपने हाथ से और इसके सारे बबल्स निकालते हुए हम इसे नीट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से। आप देख सकते हैं इस तरह से, तो हमारे डो को हमने पंच करके दोबारा से नीट करके रेडी कर लिया है और हमारी फिलिंग भी रेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम डो का एक पोर्शन लेने से, आप छोटा या बड़ा पोर्शन अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ चपाती के साइज से थोड़ा सा बड़ा पोर्शन और अब मैं इसे इस तरह से रोल करके स्मूथ करूंगी और अपने थंब और फिंगर की हेल्प से इसे दूंगी एक बाउल का शेप इस तरह बड़ा करते हुए। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, इसे हम पतला नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो अब बारी है इसमें फिलिंग डालने की, मैं फिलिंग डाल रही हूँ सिर्फ 2 टेबल स्पून, हम ज़्यादा फिलिंग नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा फिलिंग डालने से सिर्फ फिलिंग का फ्लेवर आता है, आपको इसमें ब्रेड का या फिर बन का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए फिलिंग को थोड़ा कम डालेंगे। और अपने थंब से इस फिलिंग को अंदर पुश करते हुए हम इस डो को अच्छे से सील कर देंगे ताकि हमारी फिलिंग जो है बेकिंग के टाइम बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सील कर दिया है और अब इसे रोल कर दूंगी मैं अच्छी तरह से ताकि ये पूरा स्मूथ हो जाए। तो अच्छे से ये स्मूथ हो चुका है दोनों साइड से, तो अब एक प्लेट लेकर मैं इसे इस पर रखूंगी और इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। तो हमारे बंस स्टफ करके बिल्कुल रेडी हैं, तो अब मैं इसे ढकूंगी एक कपड़े से और इसे रखूंगी मैं एक सेकेंड प्रूविंग के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। तो जब तक ये 10 से 15 मिनट तक रेस्ट कर रहे हैं, सेकेंड प्रूविंग हो रही है, तब तक हम अपने अवन या माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लेते हैं। मैं आज माइक्रोवेव में बेकिंग कर रही हूँ इसलिए मैं इसे प्रीहीट करूंगी 180 डिग्रीज पर। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए और हमारा जो अवन है वो भी प्रीहीट हो चुका है। तो चलिए इसे चेक करते हैं, आप देख सकते हैं सेकेंड प्रूविंग के बाद इनका साइज पहले से थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो चलिए बेक करते हैं इन्हें। वैसे हमारे बंस बिल्कुल रेडी हैं बेकिंग के लिए, लेकिन मैं इसे दूंगी हल्का सा मिल्क वॉश मार्केट स्टाइल बनाने के लिए। तो मिल्क वॉश के लिए मैं ले रही हूँ रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क और साथ ही में मेरे पास ये है सफ़ेद वाले तिल, ये है अराउंड 2 टेबल स्पून। तो चलिए मिल्क वॉश देना शुरू करते हैं हमारे इन बंस को। तो एक ब्रश की हेल्प से मैं इस मिल्क को इस तरह से बंस के ऊपर लगाऊंगी अच्छी तरह से। इस तरह मिल्क लगाने से एक तो कलर अच्छा आता है, दूसरा हमारे जो बंस हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इसलिए मैं इस पर इस तरह से मिल्क लगाती हूँ हमेशा बेकिंग से पहले। और अब बारी है इस पर ये सेसमे सीड्स स्प्रिंकल करने की, आप किसी भी तरह के सीड्स स्प्रिंकल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, ये 100% ऑप्शनल है। आप चाहें तो इस पे मेलन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स, जो भी सीड्स आपको पसंद हो वो आप इस पे लगा सकते हैं, इससे थोड़ा सा लुक अच्छा आता है और थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस करेंगे, आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम ग्रीस करेंगे ताकि जब हम इस पर बंस रख कर बेक करें तो हमारे बंस इस सरफेस से चिपके नहीं। तो आप केयरफुली अपने बंस को इस ट्रे पर ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बंस के बीच थोड़ा डिस्टेंस रखें क्योंकि बंस जब बेक होंगे तब इनका साइज थोड़ा बड़ा होगा और अगर ये पास पास ज़्यादा रखे होंगे तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और फिर इनका शेप उतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इनके बीच हम थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। तो
अच्छी तरह से आप देख सकते हैं ये रख चुके हैं और हमारा माइक्रोवेव भी अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो चलिए बेक करते हैं। तो अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री प्रीहीटेड अवन में करीब 10 मिनट के लिए। क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन माइक्रोवेव है तो कुकिंग जो है वो काफ़ी फास्ट होती है, इसलिए 10 मिनट में बंस अच्छी तरह से बेक जाते हैं इसमें। अदरवाइज आप इसे बेक कर सकते हैं 180 डिग्रीज पे करीब 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर तब तक जब तक इनके ऊपर एक अच्छा सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं हमारे जो बंस हैं वो बेक होके बाहर आ गए हैं। अब ये काफ़ी गर्म है लेकिन इनका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं करूँगी इन्हें फिनिश करने की तैयारी। तो अब मैं लूँगी थोड़ा सा बटर और इसे रखूँगी हमारे बन के ऊपर, क्योंकि बन अभी बहुत गर्म है तो ये मेल्ट हो जाएगा और इस तरह से ब्रश की हेल्प से ये पूरे बन पर अच्छी तरह से लग जाएगा। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर और एक शाइन आती है इस बंस पर। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों तरह के बंस का, जिन पर बटर लगाए उन पर और जिन पर बटर नहीं लगाए। तो इसी तरह से मैं बाकी सब बंस पर भी लगाऊंगी बटर। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे बंस पर अच्छी तरह से बटर अप्लाई कर दिया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइन और ग्लॉस आ गई है इस पर। तो चलिए मैंने अपने बंस को इस सर्विंग डिश में ले लिया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए कट करके देखते हैं ये अंदर से कैसे लगते हैं। तो अब मैं इसे कट करूंगी इस नाइफ की हेल्प से। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इन बंस को थोड़ा ठंडा करके ही सर्व करें, क्योंकि ठंडा करने पे इनका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट हैं और अभी भी ये काफ़ी गर्म है। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी भी बने हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। तो चलिए इन्हें सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी और हेल्दी होल व्हीट मसाला बन बन के बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे आप सर्व कर सकते हैं किसी भी तरह की चटनी या सॉस के साथ। इनफैक्ट ये चाय के साथ भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को अपने घर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं हर रोज़ कुछ नई नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज इसी तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।